Who taught you all this? You. Jump. तो ये है मेरा 17वां दिन 30 डेज ट्रैवल चैलेंज का, दिल्ली से कन्याकुमारी, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। और 17वें दिन मैं हूँ गोवा में, और गोवा में यार मेरा जो अच्छा दोस्त बना था ना, उसको छोड़ने आया हूँ, उनको मडगांव जाना है ट्रेन पकड़ने, तो यहाँ पे मैं पेलोलम में उसको बस स्टॉप पे छोड़ने आया हूँ, क्योंकि स्कूटी का रेंट थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब अभी जाते वापस करनी है। तो उसने मेरी हेल्प की, तो मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ी सी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। बस आ गई एसी वाली, आ गई, तेरा बेनिफिट हो गया, ले जल्दी से सामान। भाई ये जाएगा ना? हाँ, मडगांव पूछ ले, बस चढ़ते हुए मडगांव जाएगा ना? हाँ चल भाई, बाय बाय। भाई जर्मन बेकरी है, और इंडियन, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल, इसराइली, थाई, सी फूड सब है। जर्मन कहाँ है पर? तो मैं इनके साथ आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। यार तुम्हारा जब किसी नए शहर में कोई नया दोस्त बन जाता है ना, तो तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। और अगर वही दोस्त तुम्हें बीच ट्रिप में छोड़कर चला जाए, तो बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब खालीपन सा लगता है। जैसे आज मुझे लग रहा है, नया दोस्त बना था जो सुबह सुबह वापस निकल गया मुंबई के लिए, मैं आज बहुत अकेला सा लग रहा हूँ। इस जर्नी में मेरे को पहली बार ऐसा फील हुआ है कि मैं अकेला सा फील कर रहा हूँ। मतलब ठीक है, वो भाई दोस्ती बनते हैं ना, रिलेशन अच्छा बन जाता है तो अच्छा लगता है। बाकी शाम होने वाली है, और शाम को हम जा रहे हैं पेलोलम बीच पे। ये देखो, थोड़ी देर ना वहीं रेस्ट करेंगे, नए लोगों से बात करेंगे, नए एक्सपीरियंस लेंगे, और पेलोलम बीच पे सनसेट देखेंगे तो अच्छा लगेगा यार। चलो, और एक किताब साथ में लेकर जा रहा हूँ, तो बीच पे पढ़ने का ना मज़ा अलग आएगा, मतलब सुकून में, शांति में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी तक मैं ना छाया में चल रहा था, पर यहाँ कैसा लग रहा है कि धूप थोड़ी सी है यार। यार बीच पे तो आ गया हूँ, पर बहुत ज़्यादा धूप है। पर कोई नहीं, धूप है तो क्या हुआ भाई, बीच का अलग ही मज़ा है। देखो अलग ही वाइब चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम चल रही है। पीछे वॉलीबॉल चल रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे लोग अपना फुटबॉल सा पता नहीं क्या खेल रहे हैं। और ये देखो यार, ये देखो कयाकिंग की बोट कैसे सजा रखी है। ये देखो पेलोलम बीच पूरा खत्म कर दिया है, वहां से कहीं से शुरू किया था, और इस साइड ना पहुंचना आसान है, एक साइड से एंड में। तो मैं यहाँ पत्थरों के नीचे बैठ जाता हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज है, तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर वॉक करते हैं, फिर जब थोड़ी धूप कम होगी ना फिर वॉक करेंगे। वैसे यार पत्थरों के नीचे बैठने से बढ़िया तो ऊपर ही चढ़ जाते हैं, वहीं अच्छा व्यू तो आएगा कम से कम। धीरे धीरे ना धूप कम हो रही है, और जो हवा चल रही है ना, अब हवा का मज़ा आ रहा है। पहले ना धूप बहुत तेज थी, तो हवा मतलब फील भी नहीं हो रही थी, मतलब लग रही थी पर फील नहीं हो रही थी इतनी, पर अब हवा ठंडी लग रही है यार। और यहाँ से ये देखो बहुत अच्छा व्यू है यार। यार ये देखो कितनी अंदर तक कयाकिंग करने चले गए हैं लोग, ये मस्त इन्जॉय कर रहे हैं यार कयाकिंग, बिल्कुल ओपन सी में, यहाँ पे भी नहीं कि साइड में कर रहे हो, ओपन सी में कर रहे हैं बिल्कुल बीच में। ये देखो यहाँ पे भी जिगरा है भाई, ये चीज़ करने का तो जिगरा है। मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, और सही मज़ा आ रहा है कि कोई है नहीं, पत्थर मतलब पत्थर पे जगह घिर के बैठ जाते हैं, बहुत सही लोकेशन है, बुक पढ़ रहे हैं भाई, और सनसेट होने वाला है तो ना अच्छा लग रहा है। You all this? You. Thank you very much. Jump. National मेरा
होने से पहले ना वहाँ से उतर गए हैं, तो हम कहीं और निकल रहे हैं, सारे ग्रुप बनी गया है, तो अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। और इन अंग्रेज़ों को मछली देखने, केकड़े देखने, तो ये देखने के लिए रुक गए हैं। बाकी मेरे तो मंगलवार है भाई, मैं तो देख भी नहीं रहा, मतलब कैमरा देख रहा है मेरा। इनको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है मछली देखने में। देखो देखो, अब वापस हॉस्टल आ गए हैं, 12:30 बज रहे हैं भाई, नींद आ रही है बहुत तेज़। वो तो चले गए हैं कहीं, वो मेरे को बुला रहे थे, मैं तो उनके साथ गया नहीं हूँ, जो अंग्रेज़ वगैरह थे। मैं तो सोने जा रहा हूँ क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज़। तो यार ये वाला दिन देख के ना आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि हर दिन ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, कई दिन पीसफुल सुकून वाले भी हो सकते हैं। आप रेस्ट करो, मतलब अगर बीच पे हो तो भागा दौड़ी मत मचाओ कि कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया। किसी एक बीच पे भी ना एक शाम पूरी रात बिता के देखो, जो मैंने इस पे किया पेलोलम बीच पे, मज़ा आया, बिल्कुल सुकून था, शांति थी, कहीं भागने की जल्दी नहीं थी। तो ये था डूइंग नथिंग इन गोवा। बाकी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ भाई कि अगर तुम नथिंग करते तो क्या नथिंग करते। बहुत आगे पहुँच चुका हूँ मैं और बैंगलोर भी निकलना है, चलो एंजॉय करो।